राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में डाल लेना, जैकेट में, जेंट स्वेटर में, कहीं भी डाल लेना, सारी जगह अच्छा लगेगा। बॉर्डर बना के अब पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी मैं आपको। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले हम तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। एक फंदा हमारा सिलाई के लिए है, दो फंदे हमारे डिजाइन के हैं। फिर पीछे धागा करके एक छह फंदे का डिजाइन बनाएंगे। दो दो चार दो छह, एक दो तीन। जो तीसरा फंदा है यहाँ से, इसके यहाँ से फंदा निकाल लेंगे एक लंबा। हा ऐसे थोड़ा लंबा फंदा निकाल लिया और अब छह फंदे बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये छः फंदे बना लिए। अब ये डिजाइन हो गया हमारा। दो फंदे उल्टे, छः फंदे सीधे बना लिए। ये लंबा फंदा हमने छः फंदे के बीच से निकाल दिया। फिर आगे दो फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके अब छः फंदे के बीच से निकाल लेंगे। दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे हो गए। अब तीन फंदे के पीछे से निकाल लेंगे, ऐसे थोड़ा हाँ लंबा कर लेंगे ये। एक दो तीन, और तीन फंदे और बना लेंगे। चार पाँच छः, छः फंदे बना लिए। अब ये दो डिजाइन हो गए। अब आगे तीसरा डिजाइन, एक दो, दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके अब छः फंदे के बीच से निकाल लेंगे। यहाँ से एक लंबा फंदा निकाल लिया। फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे बना लिए। फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे, और ये कोने वाला फंदा ये भी हमने उल्टा बना लिया। ये फंदा हमारा डिजाइन के सिलाई के लिए, सॉरी, दो दो फंदे हमारे बीच में। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। दो फंदे ये सीधे बना दिए, कोने वाला उल्टा बना दिया, दो फंदे सीधे बना दिए। फिर अपनी तरफ धागा करके अब ये छह फंदे हैं, जो तीन और तीन छह, ये फंदा हमने जो निकाला था नीचे से वो है। अब यहाँ से निकाल रखा है, देखो पता लग रहा है, इधर से भी पता लग रहा है, यहाँ से निकाल रखा है। अब ये सिलाई हम ऐसे डालेंगे, यूँ यूँ सिलाई डाल के ऐसे। ये एक लंबा फंदा यहाँ से निकाल लिया, ये फंदा हमने सीधी साइड से निकाल लिया था, ये फंदा हमने उल्टी साइड से निकाल लिया। फिर आगे छह फंदे बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, और जो ये निकाला था इसको ऐसे उतार देंगे। अब यही आगे बनाएंगे। छह फंदे हमारे डिजाइन के हैं, एक फंदा इस तरफ निकाल रखा है, एक अब इस तरफ निकाल दिया उल्टी साइड। आठ फंदे ये हो गए, दो फंदे ये हो गए, अब ये दस फंदे हो गए। जो दो फंदे हमने बढ़ा दिए, अब आगे तीसरी सिलाई में इनको हम घटा देंगे। अब आगे फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर अपनी तरफ धागा करके अब यहाँ से देखो दो फंदे ये सीधे। अब आगे हमने यहाँ से निकाल रखा है, ये लंबा फंदा देखो यहाँ से निकाल रखा है। अब यहीं से फिर निकाल लेंगे तीन फंदे के बीच से। छह फंदे हैं जो उनके, तीन तीन इस तरफ छोड़ दिए, तीन इस तरफ, देखो यहीं से पहले निकाल रखे हमने सीधी साइड। अब छह फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक छः। फिर ये नीचे से निकाल लिया हुआ ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर पीछे धागा करके एक दो, दो फंदे सीधे। अब फिर तीन फंदे के यहाँ से देखो, ये फंदा जो निकाल रखा है हमने यहाँ से, तीन फंदे के पीछे से निकाल रखा है यहाँ से। अब ये फंदा हम उल्टी साइड से निकाल रहे हैं। छह फंदे हमारे सीधे हो गए, उल्टे सॉरी। अब ये हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, उल्टे फंदे को उल्टा बना देंगे। अब आ गई तीसरी सिलाई। अब देखो जो निकाल रखे फंदे उनको घटा देंगे। अब हम तीसरी सिलाई है, सीधी सिलाई है। अब ये
तीन फंदे बना दिए, कोने वाला अलग है डिजाइन से, दो फंदे उल्टे बना लिए पीछे धागा करके। अब देखो ये नीचे से निकाल लिया हुआ फंदा है, फिर आगे एक फंदा जो छह फंदे उनमें से एक फंदा। अब ये फंदा में से पीछे की साइड से दो का एक कर देंगे यूं करके। दो का एक कर दिया, फिर आगे एक दो तीन चार, एक ये दो का एक किया था, चार फंदे फिर आगे बना दिए। अब ये हैं जो, इनको हम ऐसे बना देंगे दो का एक। जो हमने नीचे से निकाला था वो फंदा हमने घटा दिया यहाँ, फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके। अब ये ऐसे बनाना था, सॉरी हम ये यहाँ से बना दिया, यहाँ से नहीं बनाना था, यहाँ से बनाना था ऐसे। अब ये फंदा ऐसे बना दिया हमने, नहीं जी ऐसे नहीं बनाना, ये गलत, ये बनाना है ऐसे, ये ऐसे बनाना, ये इस तरह बना दिया। फिर आगे एक दो तीन और एक चार, अब ये यहाँ से इस तरह बना देंगे दो का एक। ये यहाँ भी दो फंदे घटा दिए, यहाँ भी दो फंदे घटा दिए, बड़े हुए फंदे हमने घटा दिए, एक दो। अब फिर दो का एक, दो का एक जो नीचे से निकाला है एक, वो हर एक फंदा है, एक दो तीन और एक चार। अब ये नीचे से निकाल लिया हुआ है, ये फंदा हमारा दो का एक कर देंगे। फिर आगे दो फंदे उल्टे, कोने वाला भी उल्टा। अब चौथी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई आ गई। अब चौथी सिलाई में फिर हम दो फंदे सीधे, एक दो, अपनी तरफ धागा करके छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः। जो फंदे हमने घटा बढ़ा दिए थे वो घटा दिए हमने, पहली में बढ़ा लिए थे, तीसरी में घटा दिए। दो फंदे सीधे, छः फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर छः फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदे सीधे, कोने वाला उल्टा। अब ये चार सिलाई का डिजाइन हो गया, एक डिजाइन चार सिलाई का है, और यही चार सिलाई हम बार बार बनाएंगे तो ये वाला डिजाइन बनेगा हमारा। अब आगे फिर हम पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे। अब एक बार फिर मैं पहली सिलाई से फिर एक बार और बना के दिखा रही हूँ। कोने वाला फंदा डिजाइन से अलग है, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके। अब छह फंदे का डिजाइन है, जो तीन फंदे के पीछे से, छह फंदे के बीच से समझ लो, या तीन फंदे के पीछे से ऐसे एक लंबा फंदा निकाल लेंगे। अब आगे एक दो तीन और तीन फंदे और चार पाँच छः, ये छः फंदे का डिजाइन है। तीन फंदे, छः फंदे बना दिए, एक नीचे से, छः फंदे के बीच से लूप निकाल लिया, फिर छः फंदे सीधे। अब आगे फिर एक दो, दो फंदे उल्टे। अब छः फंदे का डिजाइन है, तीन फंदे के पीछे से ऐसे लंबा फंदा निकाल के थोड़ा हा, ना इसको ज़्यादा लंबा निकालना ना इसको खींचना, खींचोगे तो ये सिकुड़ा डिजाइन बनेगा, ज़्यादा लंबा निकाल दोगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा, पूरा निकालना है। दो फंदे उल्टे, अब छह फंदे के बीच से एक लंबा फंदा निकाल लेंगे, उल्टी साइड से, उल्टी सिलाई में भी यहीं से निकाल लेंगे फिर हम फंदा। छह फंदे उल्टे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, कोने वाला भी ऐसे उल्टा बना देंगे। अब आ गई उल्टी सिलाई, दो फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके। अब जो छह फंदे का डिजाइन है, तीन फंदे के बाद यहाँ से हमने ये फंदा निकाल लिया, वहीं से फिर निकाल लेंगे हम उल्टी सिलाई में। अब छह फंदे उल्टे बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक छः,
और ये फंदा हम ऐसे उतार देंगे। अब इसी तरह पूरी सिलाई को बना देंगे, दो फंदे सीधे अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे के पीछे से ऐसे एक लंबा फंदा निकाल लेंगे नीचे से, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर ये फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, फिर तीन फंदे के पीछे से ऐसे यहाँ से एक लंबा फंदा निकाल लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर एक फंदा ऐसे कर लेंगे, फिर दो फंदे सीधे कोने वाले को उल्टा बना देंगे। अब इसी तरह बनेंगी ये चारों चार सिलाई, और दो बना दी दो और बनेंगी। अब ये वाली दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब एक ये नीचे से निकाल लिया हुआ और एक ये फंदा दो का एक कर देंगे, ये नीचे से निकाल लिया हुआ घटा दिया, फिर आगे चार फंदे सीधे और जो ये नीचे से निकाल लिया हुआ है ये फंदा है अब दो का एक कर देंगे, फिर दो फंदे उल्टे एक दो पीछे धागा करके एक नीचे से निकाल लिया हुआ और एक ये फंदा दो का एक, फिर चार फंदे सीधे बना देंगे और अब फिर ये एक फंदा और एक नीचे से निकाल लिया हुआ दो का एक घटा दिए, अब ये दो फंदे जो हमने बढ़ाए थे अब एक दो का एक यहाँ कोने पे, फिर चार फंदे सीधे एक ये नीचे से निकाल लिया हुआ और एक फंदा दो का एक, फिर दो फंदे उल्टे कोने वाला भी उल्टा। अब फिर उल्टी सिलाई को जो फंदे जिस तरह दिखाई दे रहे हैं उनको यूं ही बना देंगे, चौथी सिलाई को दो सीधे छह उल्टे दो सीधे छह उल्टे। अब देखो ये डिजाइन कितना अच्छा लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।